मॉर्निंग कैसे हो। सो आज आपको देखने के लिए मिलेगा शादी वाला ब्लॉग। सो आज मैं शूट करने वाली हूँ शादी का फुल ब्लॉग और आज होने वाली है वैसे मेरी शादी, वो तो पता ही होगा। लेकिन ये ब्लॉग कब तक आएगा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन जरूर बहुत जल्दी शेयर करूंगी। सो फिलहाल तो मैं उठी हूँ क्योंकि रात के 3 बजे तक मेरी मेहंदी लगी हुई थी, ये देखो। और रात को 3 बजे मैं फ्री हुई थी मेहंदी लगवा के और सुबह इतनी जल्दी उठ गई हूँ ना, अब क्या ही कर सकते हैं। अब सो भी नहीं पाती क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है घर में फिर शादी वाले में, तो फिर इस वजह से मैं उठ गई थी। चलो जो जो फंक्शन होंगे मैं आपको सारे फंक्शन आगे दिखाती जाऊंगी। मैं आपको थोड़ी बहुत मेहंदी दिखा देती हूँ अपनी। मैं इतनी साथ में रहती पहली हूँ, अभी मैं साथ में ही आ रही, तो मैं क्या करूँ पता। कितने मलूक आते मेरे कुतिया देगी। अभी मैं निकलने वाली थी अपना मेकअप कराने के लिए, लेकिन तभी घर वालों को याद आती है कि अब भी कुछ रस्में रह गई हैं जिसमें तेल अभी चढ़ेगा फिर उतरेगा, क्योंकि अभी तेल पूरे नहीं हुए थे मेरे पास। ये पूरी शादी में मेरे लिए सिर्फ बीरबल की खिचड़ी बन के रह गए थे, क्योंकि तेल चढ़ना फिर उतरना, चढ़ना उतरना पता नहीं क्या। खैर उसके बाद ये लोग तेल चढ़ाते हैं फिर उतारते हैं। अभी एक और रस्म होगी जो कि जीजाजी करते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद मैं कहीं जाके सलोन पहुंची थी क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी मुझे लेट कर दिया था और ना सोने दिया था। रात में मेरे साथ क्या होगा ना वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना मुझे, क्या ही बताऊं मैं। सो अभी आई हूँ मैं मेकअप कराने और आधी से ज़्यादा सामान है ना मैं घर पे ही भूल गई हूँ, पता है अपनी ज्वेलरी सेट भूल गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी इतने फंक्शन थे ना और जल्दी जल्दी में ऐसा होता ही है ज़्यादातर, बट कर ही क्या सकते हैं। अभी मंगाऊंगी कॉल करके घर वालों से क्योंकि सुनने वाली तो मैं हूँ अच्छे से। तो मेकअप के लिए मैं आके बैठ गई थी। सबसे पहले मेरे फेस पे क्लींजिंग होती है, उसके बाद मास्क लगाया जाता है जब तक ये लोग मेरे हेयर स्टाइल के लिए बालों को सेट करते हैं। तो जब तक मैं अपने फेस पे मास्क लगा के आराम से रेस्ट करती हूँ। फिर स्टार्ट होता है मेरा मेकअप और मेकअप होने के बाद मैं आधा घंटा बैठी रही क्योंकि मेरे घर वाले ज्वेलरी लेके अभी तक नहीं आए थे और हेयर स्टाइल मेरी विदाउट ज्वेलरी हो नहीं सकती थी। सो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने मेकअप कहाँ से कराया था, तो मैंने ब्यू सलोन से मेकअप कराया था जो कि फतेहाबाद रोड पर है। सो फाइनली अब आ चुकी थी मेरी ज्वेलरी और मैं अपना पूरा मेकअप कम्प्लीट कराती हूँ। तो फिर राखी दी, तनु, ये सब लोग भी अपनी स्टाइलिंग के लिए आए हुए थे। तो अब मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार और ये पूछना तो बेकार ही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, कि मैं ऑलरेडी पहले पूछ चुकी हूँ, फिर भी मैं पूछना चाहूँगी एक बार कि मैं कैसी लग रही थी। 1-2 घंटे के बाद मेरी कल निकल गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैसी सा हेयर स्टाइल हो गया था, बट लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सीरियसली। खैर फिर होते हैं मेरे फोटोशूट जिसमें मुझे 1 घंटा करीब लग जाता है। फिर मैं निकल गई थी वेन्यू की तरफ। कच्चू ना कर रहा हूँ देख, अब वो डीली है रही है, वो डीली है रही, वाली सही थी ना हुई, मैंने कही ना बाकी कल वगैरह अच्छी लग रही फेस पे ऐसे करके अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो नहीं कही के ना करवाते, अगर मैं घर स्ट्रेट कर लियो अब का अपने आप कल चले गए, अगर मैं राखी जीते तैयार हूँ तो ना तो एकदम परफेक्ट, और कब को तैयार हूँ तो अब कहा आऊंगो यार, पूरी लगन सगाई तो नहीं कर गई मैं, बिल्कुल लगन सगाई ना देखो, मैंने पूरी दुनिया की लगन सगाई देखी। अब पता मम्मी जब ही कह रहा हूँ कि चली जा, जैसा हुआ तू चली जा। अब तो मैं बता दूंगा लहंगा कैसे था। अब तो सबको राज खुल जाएगा कि लहंगा ये है, तो हमारे होने वाली ब्राइड ये है।
फिर से नंबर आ गया था मेरे फोटोशूट का। जो पहले फोटोशूट हुए थे वो सारे सिर्फ मेरे तैयार होने के थे। जो भैया ने फोटो क्लिक किए थे ना, बहुत ज्यादा ही प्यारे किए थे। मैं तो फोटो देख के एकदम पागल हो गई थी, इतने सुंदर किए थे। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड कर दी है कि आप देख सको मेरे फोटोशूट कैसे हुए थे। लेकिन जब प्रॉपर इसकी एडिटिंग हो जाएगी, मैं सारे ही फोटोशूट आपके साथ में शेयर करूंगी, जो छोटी छोटी क्लिप थी वो सब कुछ। ये सारी प्रॉपर वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी अच्छे से एडिटिंग होने के बाद। अब मेरे फोटोशूट भी खत्म हो चुके थे और बारात भी आ चुकी। अब बारी आ चुकी थी मेरी एंट्री की, और एंट्री के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। अभी मैं देखने वाली थी गौरव को, क्योंकि ना उसने मुझे देखा था और ना मैंने उसे देखा था कि हम दोनों लग कैसे रहे इस ब्राइडल आउटफिट में। सो अब देखने वाले थे हम एक दूसरे को। सब एक बात तो मैं बोल सकती हूँ कि लड़का लड़की में से लड़की को शादी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लड़के का क्या है, सिर्फ मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने, उठ के वो तो आके सीधे बैठ गए स्टेज पे, वो तो फेस वॉश भी यूज़ नहीं करते हैं, साबुन से सोप से धोया छुट्टी। और लड़कियों के लिए भाई साहब मेकअप करना, इतना हैवी आउटफिट पहनना, अगर कुछ एंट्री वगैरह सोच ली उस सबको मैनेज करना, कैसे क्या करना है। बोलूँ तो सब कुछ मेरी बहनों की वजह से अरेंज हो गया था, मेरी एंट्री, एंट्री पर जो मुझे गाना लगवाना है वो सब, क्योंकि वो ही दोनों देखने लग रही थी सब कुछ, तो उसकी वजह से मेरा सब कुछ बहुत इजीली हो गया था।